उत्तराखंड सरकार प्रदेश में 1200 कर्मचारी को सैनिटाइजेशन में लगाएगी। राज्य सरकार ने IAS अधिकारी विनोद कुमार सुमन को सैनिटाइजेशन का नोडल ऑफिसर बनाया है। प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सैनिटाइजेशन की रिपोर्ट वह रोजाना सरकार को दे रही है। खबरों के अनुसार प्रदेश में 1200 कर्मचारी को सैनिटाइजेशन में लगाया गया है। कोविड-19 के बचाव के लिए प्रदेश में प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। 513 वाहनों को लगाया गया है। 370 लाउड स्पीकरों की मदद ली जा रही है। रोजाना 10 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल को सैनिटाइज किया जा रहा है। इनमें कंटेनमेंट जोन से लेकर पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े क्षेत्र भी शामिल है। रोजाना 13,351 लीटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3000 किलोग्राम से अधिक ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया जा रहा है। कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सके। वहीं रोजाना सरकार को सैनिटाइजेशन की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए, नई दिल्ली से।